ये माइगोटेक कंपनी का स्टेबलाइज़र हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। ये एसी का स्टेबलाइज़र है, ये 140 वोल्ट से लेकर 300 वोल्टेज तक काम करता है। अब इसमें देखेंगे हम इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने इसको डिमर से लगा दिया है, इसको हम वोल्टेज देंगे। ये हमने इनपुट के वोल्टेज को बढ़ा दिया है, ये हमने 170 वोल्टेज पे कर दिया है। ये है टाइमर 4 3 2 1, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। इसकी आउटपुट आ चुकी है, अब देखते हैं मीटर में कि कितने आउटपुट ये निकाल रहा है। 170 वोल्टेज हमने इसको दिए हैं, ये 195 वोल्टेज आउटपुट, अब इसको हम बढ़ा रहे हैं तो उसके बाद ये 210 पर बंद हो चुका है। देख सकते हैं कि 210 वोल्ट पे इसका हाई कट आ चुका है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जल्दी हाई कट कर रहा है, तो उसको हम चेक करेंगे। ये काट खोल चुका है, देख सकते हैं कोई जला हुआ नहीं है। इसमें जो दिक्कत है वो रिले की दिक्कत हो सकती है। इसमें एक रिले जो लगी होती है टाइमर की होती है, और बाकी जो दो रिले होती हैं, एक इनपुट की रिले होती है और एक होती है आउटपुट की रिले। जो इस स्टेबलाइजर में दिक्कत है वो रिले की दिक्कत है। जो इसमें ये रिले लगी हैं, इसके ये रिले काम नहीं कर रही, इसलिए ये 210 वोल्ट पर ही हाई कट दिखा रहा है। तो हम इसके रिले चेंज करेंगे, इसके हम दो रिले चेंज करेंगे क्योंकि टाइमर के रिले इसकी ठीक है। तो टाइमर की रिले होती है वो आउटपुट, उससे आउटपुट बाहर निकलती है, तो हमारी आउटपुट तो आ रही है लेकिन ये बीच में हाई कट दिखाकर बंद हो रहा है, इसलिए हम इसकी इनपुट की और आउटपुट की रिले चेंज करेंगे। देख सकते हैं ये एक हमने रिले डाल दी है और दूसरी हम डाल रहे हैं। तो जैसे इसके कनेक्शन हैं वैसे हमें कनेक्शन करने हैं। इस रिले को निकाल के ऐसे कर लेंगे, फिर इसके जो कनेक्शन है ऊपर के वो हम लगा देंगे। और इसमें जो रिले होती है वो 40 एम्पीयर की 24 वोल्ट की रिले होती है। देख सकते हैं हमने दोनों रिले इसकी इनपुट की और आउटपुट की रिले चेंज कर दिए हैं, और जो उसमें प्रीसेट लगा होता है वो उसकी जो हमने चलाया था तो वो सेट होने में थोड़ी दिक्कत कर रहा था, इसकी सेटिंग थोड़ी ऊपर जा रही थी, इसलिए हमने इसका प्रीसेट भी चेंज कर दिया है। इसमें दो प्रीसेट लगे होते हैं और दोनों 4.7 के होते हैं। देख सकते हैं ये प्रीसेट मैंने निकाला है और ये स्टील वाला प्रीसेट मैंने इसमें डाला है। इसको मैं चेक कर चुका हूँ, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, रिले की तो दिक्कत थी ही, लेकिन इस सेटिंग में इसकी सेटिंग जो होती है 250 से ऊपर नहीं जाता है आउटपुट इसकी, तो उसमें दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसका प्रीसेट को हमने चेंज कर दिया है। अब इसको चेक करते हैं, देख सकते हैं टाइमर चल रहा है। स्टार्ट हो चुका है, अब इसको वोल्टेज को बढ़ाते हैं। देख सकते हैं 205 वोल्टेज आ चुके हैं। ये स्टेबलाइजर 140 वोल्ट से लेकर काम करता है, ये 229 ये वोल्ट हो गए, लेकिन जब इसमें प्रॉब्लम थी तो ये 300 वोल्टेज तक नहीं जा रहा था, अब 300 वोल्टेज पे इन्हें हाई कट किया है, नहीं तो पहले 210 वोल्ट पर ही हाई कट दिखा रहा था। अब से फिर से इसका टाइमर आ चुका है, अगर इसको पुश को दबाएंगे तो यह आउटपुट दिखाता है। ये मैंने पुश दबाया है, 231 वोल्टेज आउटपुट किसने दिखाए हैं, 180 पे 212 वोल्टेज दिखा रहा है। अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसकी रिले और प्रीसेट हमने चेंज करी है।